वर्षों में, लेकिन संघ हिस्ट्री की बात इसलिए करता है, मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। जब चाइना के कॉन्सुलेट जनरल जब मिलने आए सरसंघ चालक जी से, तो उन्होंने उनसे कहा कि संघ केवल चाइना और भारत को 62 के रिश्ते में नहीं देखता है, और केवल आफ्टर माओ के 70 वर्षों में नहीं देखता है, तो संघ ये सोचता है कि अगर भारत और चीन दोनों अपने 2000 वर्षों के रिश्तों को याद करें और उन रिश्तों पर अपने संबंधों को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, तो ये दुनिया और कुछ बहुत अच्छी हो सकती है। और इस आधार पर ये हमेशा हमारे रिश्तों का, चाहे अपने परिवार के हो, दो देशों के हो, अलग अलग भाषा में रहने वाले लोगों के हो, उसका आधार अगर हम लोगों ने अपनी परंपरा जो संस्कृति है उसका अगर हमने आधार उसको बनाया, तो हम सबका सम्मान करते हुए और विविधता के साथ हम लोग जी सकते हैं। वही अपना हिंदुत्व मतलब क्या है, उसमें तत्व क्या है। अगर तत्व वही है कि भाई जो अलग अलग दिख रहा है वो एक नहीं, वो एक ही है, और वो अलग अलग है उसको बांधना है। कुछ लोग बोलते हैं यूनिटी मतलब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नहीं, मतलब वो अलग अलग है किसी तरीके से उसको बांधना है, ऐसा नहीं है। वो एक ही है, एक्सप्रेस अलग अलग एक है। जैसी नॉलेज आपको हो जाएगा तो आप एक रहने के लिए आप लोग स्वाभाविक रूप से चलेंगे। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि संघ में सिंपल होता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो कोई कुछ भी हो जाए कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं तो हम उनकी चिंता करने पड़ते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे ऑफिस वाले हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं। तो बहुत अंतर पड़ता है आप जिसको जानते हैं और जिसको नहीं जानते हैं। तो संघ का काम क्या है कि भाई आप मिलो, दूसरों से मिलो, आपका कोई संबंध नहीं है तब भी मिलो, पड़ोसी से मिलो। शाखा क्या करती है, अपने स्वयंसेवकों को मिलती है, स्वयंसेवक मोहल्ले के लोगों को मिलते हैं, और इससे सबसे मिलो, जितना मिलोगे आपका रिश्ता बनेगा, तो रिश्ता बनेगा तो एक दूसरे के सुख दुख की चिंता करोगे, यही संघ है। और संघ का स्वयंसेवक क्या है, संघ का काम क्या है, तो अपना खुद अच्छा बनो और दूसरों को भी, दूसरों के साथ भी कुछ अच्छा काम करो, बस ये बढ़ाते चले जाओ। तो यही एक बेसिक सिंप्लीफायर जो इन्होंने शब्द उपयोग किया संघ का, जो ये इतना सिंपल तरीका है, सामान्य लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और इसीलिए संघ 90 वर्षों में लगातार विस्तारित हुआ है। कुछ विद्वान लोग ज़रूर इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन संघ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संघ बहुत ही सिंपल है कि भाई आप अच्छे हो, अच्छे बनो, और दूसरों के साथ भी अच्छा करो, दूसरों को भी अच्छा लो, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले जाओ, आगे चलते जाओ। ये सिंपल संघ का काम है। और संघ का मैं कई बार सोचता हूँ तो संघ यही मानता है कि इसी से हम लोग आने वाले समय में, हम 21वीं सदी में एक अच्छा भारत निर्माण कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए देश में राजनीति होती रहेगी, हम डेमोक्रेसी में हैं, वो चलती रहेगी, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए। संघ का पॉलिटिक्स के बारे में ये थॉट है, हर विषय के बारे में है। आप कलाकार हैं तो आपकी कला में बहुत विविधता रहेगी, आपका अपना रवैया है, लेकिन फंडामेंटल चीज़ पक्की होनी चाहिए कि भाई आपका जो देश है, आपका समाज है, आपकी संस्कृति है, तो आपका फ्रीडम ये है कि आप अपने तरीके से रह सकते हैं, लेकिन दूसरों का भी फ्रीडम है, उनकी भी रक्षा करना आपका धर्म कर्तव्य है, वो समझना तो अपने आप सबकी रक्षा हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीके से संघ काम करता है, संघ के सभी संगठन इसी तरीके से काम करते हैं, आपस में समन्वय भी इसी तरीके से करते हैं, और इसलिए आज इसलिए संघ आकार से बड़ा होते होते लोगों को दिख रहा है, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संघ का जो काम है वो दिलों को जोड़ने का है, और एक दूसरे के दिल जुड़ते चले जाते हैं, तो संघ वास्तव में एक स्वयंसेवक मतलब एक वॉलेंटरीली काम करने वाले लोगों का समूह है, और वो स्वयं अपनी अपनी प्रतिभा से अपनी अपनी जगह पर काम करते रहते हैं। इसलिए हर कोई एक स्वयंसेवक की भांति आप जहाँ पर हैं, संघ की एक विशेषता और है कि आपको अपना प्रोफेशन छोड़कर संघ में आने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ है, जिस प्रोफेशन में है, आप जैसे हैं, आपके पास जो कुशलता जो आपके पास है उसको लेकर आप अपनी जगह पर अपने साथियों को जोड़कर आप एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, वही संघ है। आप जब ये शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप
संघ का काम शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको कोई नया बैच पहनने की ज़रूरत नहीं, कोई नया टैग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप उस दिन से संघ के विचार से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। यही सिंपल संघ का विचार है। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी किताब में इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। किताब कई बार किताब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो मैंने ये प्रयास किया है कि बहुत ही इसी तरीके से अपने मैंने जो अनुभव किया और 21वीं सदी में जो हम सभी एस्पायर कर रहे हैं कि एक दुनिया में भारत बहुत आगे बढ़ना चाहिए, हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़नी चाहिए, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी चाहिए, तो ऐसे सभी विषयों पर संघ लगातार काम कर रहा है।